हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना चाहिए। तो हम हो चुके हैं रेडी और उदयपुर से निकलना है। देखते हैं बाहर का नज़ारा। वाओ, दोस्तों ये जैसे मैंने बताया, ये पिछोला लेक है उदयपुर का, और वो सामने आपको जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिटी प्लेस। तो रेडी हो गए हैं, अब निकलना है बॉम्बे के लिए। थोड़ा तो सिटी प्लेस को जूम करके देखते हैं। वो सामने सिटी प्लेस, दोस्तों उदयपुर छोड़ चुके हैं हम और बॉम्बे के लिए रवाना। लगभग 750 किलोमीटर की जर्नी रहेगी और इसमें लगने वाले हैं हमारे 10 से 12 घंटे। तो बने रहिए हमारे साथ में और लीजिए आप भी यात्रा का आनंद। गृह मंत्री जी जो है कर रहे हैं, ये क्या है? हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ तो गृह मंत्री जी जो है आराम फरमाते हुए, क्योंकि 10-12 घंटे की यात्रा करनी है भाई। कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे कहीं? कुछ टाटा वाटा करनी है कि नहीं? दोस्तों ये है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर। अब हम लोग राजस्थान छोड़कर, सीमा समाप्त राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम प्रवेश कर चुके हैं गुजरात में। गुजरात की चेक पोस्ट, ये सामने गुजरात की चेक पोस्ट दिखाई दे रही होगी आपको। सड़कें काफी अच्छी, तो लगभग मैं आपको बता दूँ 750 किलोमीटर की हमारी यात्रा रहेगी दोस्तों। तो उदयपुर से चलकर हम मोडासा होते हुए गोधरा पहुँचेंगे, गोधरा से हम कलोल पहुँचेंगे, कलोल से बड़ोदरा होते हुए अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर से फिर हम नवसारी होते हुए वापी, जो कि गुजरात का लास्ट पड़ेगा, और वहाँ से होते हुए हम आगे मनोर होते हुए हम लोग मुंबई चलेंगे दोस्तों।
200 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब चाय पानी तो बनता है, तो चाय लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट हो जाएगा और हमको भी। चलो तो चाय वाय ले लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुंबई और रात के बज चुके हैं 12:40। आज थोड़ा सा लेट हो गए, एक्चुअल में 9:30 लगते हैं, लेकिन आज ज़्यादा टाइम लग गया। एक्चुअल में दोस्तों बड़ोदरा के बाद में हमको काफ़ी हैवी ट्रैफिक मिला है और जिसकी वजह से आज लेट हो गए, नहीं तो नॉर्मली 10-10:30 में पहुँच जाते। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि दोस्तों।